हेलो अरुण सर, हम बात करते हैं कि हमें रेक्टेंगल के तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं और हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कि जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास से के लिए भी और 11th 12th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक फार्मूला है, फार्मूला होता क्या है। ये फार्मूला मेनली स्टूडेंट्स को याद नहीं होता है, इसको मैं याद करने का मेथड बता रहा हूँ, आप उस तरीके से याद कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। सपोज करते हैं ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं x1 y1, x2 y2, x3 एंड y3। ये इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं, ए बी सी के वर्टिसेस हैं और ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट गिवन है हमें। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अभी तो मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया है, तो आपको लग रहा होगा कि क्या किस तरीके से लिख दिया है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको सिंपल वो ट्रिक याद करनी है, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो जाएगा। जैसे आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, डायरेक्ट आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो याद रखना, तरीका कुछ नहीं, आपको क्या लिखना है, आगे हाफ लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, यहाँ एक्स लिखना है, एक्स लिखना है, एक्स लिखना है, 3x आपको लिख लेना है, प्लस लिख लेना है एक्स से पहले, और फिर आपको ब्रैकेट लगाना है। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट में वाई 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 और वाई इतना लिख लेना आपने, एक बीच में माइनस लगा देना, ये काम आपको कर लेना। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ 1 लिखना है, 2 3, यहाँ 2 लिखना है, 3 1, यहाँ 3 लिखना है, 1 2। तो आपने देखा कि बिल्कुल आसानी से आपको फॉर्मूला याद हो गया है एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें एरिया निकालना है किसका, एक ट्रायंगल का जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं 2, 3 - 1, 0 एंड 2, -4। ये NCERT का 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ हमें पता है कि x1 क्या हो गया, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये, y2 ये, x3 ये और y3 ये। आप इनमें से x1, x2, y3, y1 किसी को भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको x2 ले रहे हैं तो y2 हो जाएगा, x1 ले रहे हैं तो y1 हो जाएगा, इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन फॉर्मूले फिर आपको अप्लाई करोगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। अब एरिया किस तरीके से निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट, हाफ एक्स 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 प्लस प्लस वाई 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 वाई, अब आपको 1 2 3 बीच में माइनस, 2 3 1 बीच में माइनस, 3 1 2 बीच में माइनस, बस सिंपल फॉर्मूला है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, x1 की कितनी वैल्यू थी, x1 की वैल्यू थी यहाँ से 2, y2 की वैल्यू कितनी थी, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू कितनी है, -4, तो ये +4 हो जाएगा, प्लस x2 कितना, -1, x3 कितना है, ये रहा सॉरी y3 कितना है, -4, और -y1 कितना है, 3, प्लस x3 कितना है, x3 है 2, और y1 आपका ये रहा 3, -y2 कितना है, 0। तो आपने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद आपको सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है, या गया 0 + 4 4, -4 - 3 -7 और 2 × 3, क्योंकि 0 नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। अब क्या है, अब आपको सिंप्लीफाई करना है, 2 × 4 8, यहाँ से +7 और यहाँ से 6, 8 और 6 14, 14 और 7 21। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आया, इसका एरिया आया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, तो हमें पता ही है।